क्या प्रधानमंत्री का बेटी तुमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है। इसी भाषण से पूरे देश में वायरल हुई ढीबरा चुनने वाली लड़की कोडरमा की है। आज हम लोग कोडरमा आए थे तो इससे बात करने का मौका मिला। पता चला कि अब इसकी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में मुफ्त में हो रही है। विवेकानंद स्कूल ने इसको अडॉप्ट कर लिया है कोडरमा का, और फ्री में इसकी पढ़ाई 12वीं तक होगी। आइए जानते हैं आज इस लड़की के बारे में। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कोडरमा आया था तो मुझे मिल गई शमा परवीन। ये वही लड़की है जो ढीबरा आंदोलन से बहुत पॉपुलर हुई थी। डीसी एसपी सबको जो भाषण दिया था वो इतना वायरल हुआ कि इसको लिटिल माइका गर्ल बोलने लगे, और यहाँ नहीं सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे इंडिया में वायरल हो गई थी। आइए मिलते हैं इसे। तो शमा, क्या करती हो तुम? अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही हो? हाँ। क्या पढ़ाई कर रही हो? पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल में। अच्छा। हाँ। तो ये बताओ, जो डायलॉग से तुम वायरल हुई थी वो अभी सुना सकती हो हम लोग? हाँ, क्यों नहीं। क्या था बताओ जरा। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी है जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुनकर अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्या इसी तरह हम अपना भविष्य खराब करके रखें और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? तो ये डायलॉग क्या याद करके गई थी तुम या कोई याद कराया था? नहीं, हम ये याद करके नहीं गए थे। जब मैंने अपने आँख से देखा कि हम मजदूर लोग पढ़ नहीं रहे, सब मजदूर लोग के बच्चे अनपढ़ है, इधर है उधर घूम रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे अच्छे से, तो मैंने बोला क्या सिर्फ डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ सकते? क्या हम लोग का हक नहीं है पढ़ने का? सिर्फ डीसी एसपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा बेटी पढ़ेगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अनपढ़ रहेंगे। तो ये अपने मतलब तुम्हारे अंदर से आवाज निकल गया? हाँ। कभी लिख के नहीं? नहीं, कभी लिख के नहीं गए थे। लिख के नहीं गए थे? और फिर वो डायलॉग पूरा वायरल हो गया। हाँ। जब लोग आने लगे, मीडिया बात करने लगी, तब फिर कैसा लग रहा था तुमको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इस लाइक आई, लेकिन जितने भी नेताओं आए सब आश्वासन देखेंगे, बाकी सिर्फ वो आश्वासन ही रहा, कुछ नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। नहीं। तो वो आंदोलन कितना दिन चला ढीबरा वाला? ज्यादा दिन नहीं चला, लगभग 28 फरवरी से शुरू हो रहा हुआ था, बाकी 15-25 दिन चला था। तो बंद करने के बाद कुछ फायदा हुआ तुम्हारे पापा के ऊपर? जो केस था वो वापस लिया गया? हाँ, वापस लिया गया। क्या हुआ था मामला पूरा? देखिए, मेरे पापा गए थे दिल्ली, उसके बाद पता नहीं प्रशासन लोग मेरे पापा पर झूठा मुकदमा केस कर दिया। तो मैं जब देखी मेरे पापा गलत ही नहीं है, मेरे पापा पर केस कर दिया गया, तो मैं आवाज़ उठाई कि मेरे पापा पर आप कैसे केस कर सकते हैं बिना मतलब के। तो मैंने मेरे पापा एसपी साहब को 2-3 बार आवेदन दिए, लेकिन एसपी साहब नहीं सुने। तब मैं बोली कि मेरे पापा पर झूठा मुकदमा केस किया गया। तो जब ढीबरा चुनने जाती थी, क्या तुम लोग भी वहाँ पर जाती थी जहाँ पे पापा जाते थे या फिर जो और मजदूर लोग जाते थे? नहीं। तो कैसे होता था वो प्रोसेस? कैसे होता था वो प्रोसेस? मजदूर लोग करते थे। वो लोग क्या करते थे? वहाँ से चुन के लाते थे। हाँ। और फिर पापा लोग ऐसा बिजनेस करते थे। हाँ। तो इसके लिए विरोध हो रहा था। तुमको क्या लगता है आगे क्या करना है? मतलब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्थिति को देखते हुए हमारे जो अभ्रक है उसको चालू करें। 2-3 महीने पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ आश्वासन दिए, थोड़ा सा कुछ ढीबरा खुला, लेकिन अभी भी हमारे मजदूर लोग खुश नहीं है, वो चाहते थोड़ा और खुलासा मिले। तो मैं और अच्छा से खुल जाए। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्थिति को देखते हुए हम लोगों का जो अभ्रक है उसको खोले, क्योंकि एक झारखंड है जो पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ना ही खेती बाड़ी ना ही कुछ है, यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी इलाके और सिर्फ ढीबरा निकलता है, और हमारे जब सरकार ही बंद कर देगी ढीबरा तो हम लोग कैसे जिएंगे? बिल्कुल। तो अभी क्या करते हैं पापा लोग? अभी क्या करते हैं? मान लो जब बंद हुआ था तो कैसे घर कैसे चलता है? अभी तो हमारे पापा इधर उधर से काम कर रहे हैं, हम लोगों का भी पढ़ाई चल रहा है। हमारी 3 महीने सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, और हमें जो विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर है वो हमें गोद लिए, वो बोले हम 12वीं तक आपकी बेटी को पढ़ाएंगे फ्री। अच्छा, तो तुम्हारा फीस नहीं लगता है? नहीं, एक भी फीस नहीं लगता? नहीं नहीं। क्या बात है। तो देखिए, विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले कि उन्होंने इस लड़की को गोद लिया और इसकी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं पढ़ाई करने के बाद? मैं पढ़ाई करके IAS बनूंगी और हर एक मजदूर की मतलब हेल्प मदद करूंगी। अच्छा, ये मेरा शुरू से ही सपना है। यस, बनना है IAS। यस। तो उसके लिए मेहनत कितना करती हो? बहुत मेहनत करते हैं जितना हो पाता है। मतलब अभी कितना पढ़ाई करती हो? अभी जैसे कि डेली रात को 2 घंटे और बाकी स्कूल में पढ़ती हूँ, और बाकी उधर से आने के बाद 2 घंटे पढ़ती हूँ। मार्क्स कैसे आते हैं स्कूल में? अच्छे अच्छे आते हैं।
टॉप करती हो कि नॉर्मल नहीं है? तब मेरा मतलब हाईएस्ट नंबर है हॉस्टल में। हाईएस्ट नंबर है? कितनी लड़कियां हैं वहाँ हॉस्टल में? हॉस्टल में 20 लड़की हैं। सब में तुम्हारा सबसे ज्यादा नंबर है? हाँ। देखिए यही लड़की है शम्मा परवीन, जो कुछ साल, एक साल हो गया ना आंदोलन किए हुए तुम लोगों को। एक साल पहले ढिबरा आंदोलन हुआ था पूरे कोडरमा में, जहाँ पे सरकार जो है वो बंद कर रही थी मजदूर जो ढिबरा चुनते थे। ढिबरा एक्चुअली होता क्या है, जो माइका होता है, माइका का बाई प्रोडक्ट होता है, जो काफ़ी कीमती प्रोडक्ट होता है, यही है ना, काफ़ी कीमती होता है, और वही मजदूर लोग जो है उसको चुनते थे और फिर उसका उससे बिजनेस करते थे। लेकिन आधा से ज़्यादा जो कोडरमा के डोमचाच एरिया के जो लोग हैं वो लोग ऐसा करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, बीच में बंद हो गया था तो लोगों को आंदोलन करना पड़ा। उसी आंदोलन के दौरान इस लड़की ने एक डायलॉग बोला था, भाषण दिया था, जो बहुत वायरल हुआ था। शमा परवीन नाम है, उसके बाद से फिर हाँ। तो अभी मेरे साथ शमा परवीन के पापा हैं, जो काम करते थे इसी ढिबरा में, ढिबरा माइंस में, और उनके ऊपर केस हो गया था, जिसको उनके ऐसे बहुत लोगों पे केस हुआ था जिसको लेकर यह आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, आप लोग क्या करते थे, ढिबरा के बारे में थोड़ा बताइए। ढिबरा एक हम लोग का जंगल में निकलता है, पहाड़ी इलाका है। हाँ। तो उससे थोड़ा थोड़ा चुन चुन के मजदूर लोग जो है से ज़्यादा 300 चाहे 400 रुपये का दिन भर में हाजिरी पूरा आता है मजदूर लोगों का। और हम लोग भी कम बेसी जो है उसी तरह 500-700 रुपये दिन भर में कमाते हैं। अच्छा। उसी से हम लोग का पूरा परिवार जो है तो जीवन पोषण होता था। ये तो हमको लगता है अंग्रेज के जमाना से ही चल रहा था, मतलब आपकी सारी पीढ़ी जो है सब इसी से जुड़े हुए हैं सारे लोग जो है ना। हम लोग का कोडरमा जिला जो है से हमको लगता है 80% लोग अब्रक से ही जुटा हुआ है। अच्छा। अब्रक है और पत्थर है। तो मान लीजिए ढिबरा और अब्रक में क्या फर्क है? अब्रक और ढिबरा एक ही है। एक ही है? हाँ, दोनों चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं है, मतलब सेम चीज। हाँ, सेम चीज है, नाम अलग। पहले कंपनी लोग जो काम करता था, कंपनी बड़ा बड़ा कंपनी लोग काम करता था, वही मट्टी फेंका हुआ है तो उसी मट्टी में मजदूर लोग चुन उनके मेहनत करके अपना उसी से 400-500 रुपये का इथी करता था। आप कह सकते हैं कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट है। बस कंपनी में बना माल और बाकी माल जो फेंक दिया है। हाँ, वो जो कंपनी लोग अपना पहले खदान कोड़ के मट्टी बाहर बिगा है ना, उसी को हम लोग चुन उनके मट्टी मजदूर लोग जो है चुन उनके और हम लोग मेहनत करके उसी को निकाल के फिर उसी को बेचते हैं। तो फिर बंद क्यों करना चाह रही थी सरकार? सरकार बंद करना चाह रही थी कि ये अवैध है, कुछ फॉरेस्ट का है जंगल में, ठीक है। अच्छा। हमने कहा ये तो पहले से कंपनी पहले खोद खाद के पूरा जंगल खत्म करके चला गया है। हाँ। अरे वो मट्टी ऊपर बिगा हुआ है, इसमें चुन के गरीब लोगों को मतलब जीने खाने के लिए किया जाए। तो अभी भी बहुत ज्यादा है वहाँ पे मट्टी, तो बहुत सारा बहुत सारा चलते आ रहा है करीब 40-50 साल से, मान लेते 35-38 साल से तो हम देखते आ रहे हैं। अब हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, सब उन्हीं से वही रोजगार है। होंगे जो लोग इससे रोजगार लेते हैं, मतलब ये ढिबरा से पूरा? ढिबरा से कम कोडरमा जिला में नहीं भी की तो 6-7 लाख आदमी लोग, 6-7 लाख आदमी लोग पूरा एरिया में है, पूरा एरिया में ही है ना। कुछ तो जंगल क्षेत्र जो है से हम लोग का डोमचांच जो प्रखंड है उस प्रखंड में प्रखंड के सारे लोग को ले लीजिए, पत्थर और अब्रक से ही उन लोग का गुजारा चलता है। तो ये जब लड़की वायरल हुई थी तो क्या आप लोगों ने इनको लिख के दिया था कि ये बोलना है कि अपने से ये बोलना है? हम जैसे कि हमारे ऊपर केस हो गया था और हम चले गए थे दिल्ली, जिस टाइम केस हुआ हमारा भाई एक तो दिल्ली में था, वो इंतकाल कर गए थे। अच्छा। तो हम वहीं चल गए थे। अब जिस दिन हमारे भैया का मिट्टी पड़ रहा उसी दिन डेट में केस है। अच्छा। तो हम बोले सर हम दिल्ली में हैं, यहाँ आप लोग क्या छापामारी किए जंगल में? नहीं किए, हम तो है नहीं। फिर भी जो ऐसे कुछ नहीं सुना तो भाई हम घर से इधर उधर भागे फिरते थे, हमारा बच्ची था, चलो हमारा अब्बू जो है इधर से उधर भागते रहते हैं, क्या बात है। तो एगो आंदोलन था वहाँ पे लोग की एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में हमारी बच्ची भी चले गया। हम तो धरना में बैठे हुए थे और हमें विश्वास नहीं था कि हमारी बच्ची इस तरह का विवादी अंदाज से अच्छा खिलाफ से बोल देगी। हाँ। अब बोलने लगी
इनसे मीडिया वाला पूछने लगा कि तुमको क्या कष्ट है, तुम क्यों आई हो यहाँ धरना में। तो ये अपना जो चालू किया हमें खुद नहीं मालूम कि क्या बोल रही नहीं बोल रही है, और हमें खुद नहीं मालूम था कि हमारी बच्ची वायरल हो जाएगा। फिर 3-4 दिन के बाद देखें कि हमारी बच्ची का वीडियो जो है से पूरा मीडिया में चल रहा है, हर तरफ चल रहा है, हर जगह चल रहा है, लोग फोन कर करके पूरा जो है से मतलब 2 महीना तक के तो घर में जगह नहीं था इनसे मिलने के लिए। अच्छा, बहुत लोग मतलब यहाँ से नहीं, कुछ मुंबई से, कुछ दिल्ली से, कुछ कलकत्ता से। अच्छा। लोकल लोग तो आए ही, बाहर से भी बहुत लोग आए हैं। बिल्कुल, मैंने कहा चलो। तो ये जो है अभी जो बता रही है कि विवेकानंद स्कूल ने इसे गोद ले लिया है, ये कब से पढ़ाई स्टार्ट किया? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, 6 भी फीस नहीं लिया? नहीं नहीं, 6th क्लास से ही चालू किया है। अगर पेपर दे के अच्छा मार्क्स लाई है, 7th क्लास में आ गई है, ठीक है, अब कोई फीस नहीं है। स्कूल का अनिल सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बच्ची को मतलब कि एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अवरक नगरी में हम लोग आए थे और लिटिल माइका गर्ल से मिल रहे थे। अपडेट यही है कि ढिबरा आंदोलन से ये फेमस हुई, वायरल हुई लड़की को विवेकानंद के अनिल सर ने गोद ले लिया और इसकी पूरी 12th तक पढ़ाई जो है वो फ्री वो दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार, हज़ारीबाग। धन्यवाद। धन्यवाद सर।